हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भन्नाट साइंस में। और मैं हूँ अजय। देखिए, आया एक नया टॉपिक। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक थियोरी। आज हम इसे जानेंगे, समझेंगे कि बोर्स ने किस तरह से अपने एटॉमिक मॉडल को पेश किया, वो दूसरों से कैसे अलग था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नील्स बोर कौन थे। तो उनका पूरा नाम था नील्स हेनरिक डेविड बोर। उनका जन्म हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में 7 अक्टूबर 1885 में। वो जाने जाते हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी के लिए। इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का 1922 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 18 नवंबर 1962 कोपेनहेगन डेनमार्क में। तो अगर आपने अब तक डाल्टन से एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को नहीं समझा है तो पहले उसे समझ लीजिए। इन तीनों की लिंक मैं आपके ऊपर कॉर्नर में दे दूंगा, आप पहले उसे जाके देख लीजिए। आगे बढ़ते बोर्स एटॉमिक थ्योरी की तरफ। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे थ्योरी में, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल ऑर्बिट। हम देखते हैं यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये है नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट या शेल कहते हैं। दिस ऑर्बिट हैव फिक्स साइज एंड एनर्जीज। तो इसकी एनर्जी अलग रहेगी, इसकी एनर्जी अलग रहेगी, तो हम इसे एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स रहते हैं, जिसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग रहेगी, इसकी अलग रहेगी, इसे हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही है। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू इट्स ऑर्बिट साइज। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ऑर्बिट साइज पे डिपेंड करती है। जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ या फिर दूर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और सबसे कम एनर्जी जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट रहेगा उसकी रहेगी सबसे कम एनर्जी, और सबसे ज्यादा जो बाहर की तरफ रहेगा उसकी रहेगी सबसे ज्यादा एनर्जी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, द एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और एमिटेड। एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जाएगी या फिर एमिटेड की जाएगी, एमिट की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेल नंबर वन, शेल नंबर टू या फिर ऑर्बिट नंबर वन टू थ्री। तो यहाँ क्या हुआ, ऑर्बिट नंबर थ्री से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया ऑर्बिट नंबर टू पे, तो ऑर्बिट नंबर टू की एनर्जी कम है ऑर्बिट नंबर थ्री से, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी है, तो उसे ऑर्बिट नंबर टू में जाने के लिए एनर्जी को देना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं उसको एमिट करना पड़ेगा एनर्जी को। यहाँ पे क्या हो रहा है, शेल नंबर टू या फिर ऑर्बिट नंबर टू से इलेक्ट्रॉन को जाना है ऑर्बिट नंबर थ्री में, तो यहाँ पे ऑर्बिट नंबर टू की एनर्जी कम है लेकिन ऑर्बिट नंबर थ्री की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या, बाहर से जो एनर्जी आ रही है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगी और इलेक्ट्रॉन उसे लेके ऑर्बिट नंबर थ्री में चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हम ऑर्बिट को किस प्रकार से नेमिंग करते हैं, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के पास होता है उसे हम कहते हैं के, उसके बाद वाला एल, उसके बाद एम और उसके बाद एन, इससे भी आगे होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2n2। यहाँ पे देख सकते हैं 2n2। तो अगर हमें फर्स्ट यानी के शेल के लिए हमें ढूंढना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, तो हम n की जगह यहाँ पे 1 डालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे 2 फिट हो सकते हैं। उसके बाद हम जब l के लिए ढूंढेंगे तो हम यहाँ पे शेल नंबर 2 डालेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 8। ऐसे ही m के लिए 18 और n के लिए 32। दोस्तों हम देख लेते हैं इस वीडियो की समरी। तो नील्स बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से कंबाइन कर दिया और एक मॉडल बना दिया। तो इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में।
तो हम एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करते हैं? हम देखते हैं उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में दो है। हीलियम क्यों है? क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो हाइड्रोजन। तो हम इससे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिफाइंड करते हैं। न्यूक्लियस कंटेन मेजोरिटी ऑफ मास और इलेक्ट्रॉन सबसे कम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा मास कंट्रीब्यूट करता है एटम का। लेकिन चार्ज के मामले में बात करें तो प्रोटॉन का जितना चार्ज रहेगा उतना ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन का रहेगा। भले वो मास में कम कंट्रीब्यूट करता हो लेकिन चार्ज सेम रहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और ऑर्बिट का एक फिक्स साइज और एनर्जी रहती है। हर एक ऑर्बिट नंबर एक की एक एनर्जी रहेगी, ऑर्बिट नंबर दो की अलग एनर्जी रहेगी, अलग साइज रहेगा। यहाँ पे हमने दिखाया है केमिकल एलिमेंट बोरियम एटॉमिक नंबर 107 इन पीरियोडिक टेबल नेम आफ्टर हिम। तो बोर्स की इस काम के लिए हमने बोरियम को एक एलिमेंट है उनका नेम दिया जिसका एटॉमिक नंबर है 107। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को आप यहाँ पे बीच में जो लोगो दिख रहे हैं उसे दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन दोनों वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा।